हेलो स्टूडेंट, आज मैथमेटिक्स में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3, द्विचल सुरेख समीकरण युग्म। द्विचल सुरेख समीकरण युग्म बोर्ड एग्जामिनेशन में मोस्ट टाइम पे चैप्टर है। ये चैप्टर 8 मार्क्स का एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अभी पूछा कैसे जाता है वो देखते हम। सेक्शन ए में एक एक मार्क्स के दो सम आएंगे, सेक्शन बी में दो मार्क्स का एक सम आएगा, सेक्शन डी में चार मार्क्स का सम आएगा। ऐसे ये टोटल 8 मार्क्स में ये सम पूछा जाता है। मोस्ट टाइम भी चैप्टर है स्टूडेंट, पूरा ध्यान देना। चैप्टर नंबर 3, द्विचल सुरेख समीकरण युग्म। अब हम ये समझते हैं मतलब द्विचल सुरेख समीकरण। अब समझते पहला मतलब इसका, द्विचल, द्विचल का मतलब होता है दो चल। तो यहाँ पे हम जो भी दाखला करेंगे इसमें दो चल होंगे, x और y, या तो a और b, या तो c और d, पर यहाँ पे हम पूरे चैप्टर में x और y को ध्यान में लेते हैं। तो द्विचल सुरेख समीकरण मतलब क्या होता है, द्विचल का मतलब क्या होता है, दो चल होने चाहिए। दो चल कौन से होंगे, x और y। स्टैंडर्ड 8 में जो सीखते थे वो एक चल सुरेख समीकरण होता था। एक चल सुरेख समीकरण में एक ही चल कहाँ तो x होता था, कहाँ तो y, कहाँ तो a, कहाँ तो b होता था। यहाँ पे द्विचल है तो दो चल हो गए। अब यहाँ पे दूसरा है सुरेख। सुरेख का मतलब होता है एक घात। कितनी घात होनी चाहिए, एक्स और वाई की घात कितनी होनी चाहिए, एक। यहाँ पे कुछ भी नहीं तो एक ही संबंध है तो एक घात। दो घात को द्विघात बोलते हैं, तीन घात को त्विघात बोलते हैं, और एक घात को बोलते हैं सुरेख। तो दो चल होने चाहिए पर लेकिन घात तो एक ही होनी चाहिए। समीकरण युग्म, समीकरण युग्म। अब समीकरण युग्म का मतलब क्या होता है, समीकरण युग्म का मतलब होता है कि हमारी जो समीकरण मिलेंगे वो दो होने चाहिए। युग्म मतलब बे की दो जोड़ में होने चाहिए। दो जोड़ में मतलब जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये हमारा प्रमाणित स्वरूप है। द्विचल सुरेख समीकरण का क्या कौन सा स्वरूप है, प्रमाणित स्वरूप। इसमें ए वन बी वन और ये सी वन, इसी तरह ए टू एक्स बी टू वाई और सी टू। यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू बदलाएगी नहीं, हमेशा समीकरण में ए वन ए बी और सी की वैल्यू चेंज होगी। तो इसीलिए हमने ए वन ये ए टू ये बी वन बी टू सी वन सी टू, इसी तरह दो समीकरण हो गए हमेशा। जैसे कि थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस एट इक्वल टू जीरो, टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सेवन बराबर जीरो, ऐसे दो समीकरण हो गए। कि इसलिए हम बोलते हैं समीकरण युग्म। द्विचल का मतलब क्या, दो चल x और y। सुरेख का मतलब एक घात। समीकरण युग्म मतलब दो जोड़ होने चाहिए, दो समीकरण होने चाहिए। अब जब हम स्टैंडर्ड 8 में सीखते थे तो उसमें एक समीकरण होता था, इसके लिए इसको एक चल सुरेख समीकरण कहते थे। ये क्या है, द्विचल सुरेख समीकरण। अब इसकी हम व्याख्या समझते हैं, द्विचल सुरेख समीकरण युग्म की। ए यानी बी नहीं, सारे शून्य न हो जाइए। जो ए और बी, ए बराबर भी जीरो नहीं होना चाहिए, बी बराबर भी जीरो होना चाहिए नहीं। एक्स एंड वाई बच्चे सरवाड़ो के बाद बाकी नो संबंध हो जाइए। एक्स और वाई का जो संबंध होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सरवाड़ा या तो बाद बाकी। हम ये देख सकते हैं जो ए जीरो नहीं होना चाहिए, बी जीरो होना चाहिए नहीं, और एक्स और वाई का संबंध प्लस या तो माइनस का होना चाहिए। तो ऐसे पद को हम क्या बोलते हैं, द्विचल सुरेख समीकरण। मतलब ये पद को हम क्या बोलेंगे, द्विचल सुरेख समीकरण। ये इसकी व्याख्या हुई। पहला रूल क्या है कि ए और बी इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, शून्य। एक्स और वाई के बीच में संबंध क्या होना चाहिए, कहाँ तो सरवाड़ा कहाँ तो बाद बाकी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, द्विचल सुरेख समीकरण युग्म। अब हम इसमें समझेंगे इसकी रीत। इसमें दो रीत में आलेखनी रीत, ग्राफिकल मेथड जो हम स्टैंडर्ड 9 में सीख चुके हैं वो सेम मेथड यहाँ पे रिपीट होगी। ग्राफिकल मेथड आलेखनी रीत जो हम स्टैंडर्ड 9 में सीख चुके हैं। अब स्टैंडर्ड 10 में न्यू क्या ऐड हुआ, बेसिक नी रीत। बेसिक मतलब अलजेब्रिक मेथड में तीन मेथड मैंने, लोपनी रीत, एलिमिनेशन मेथड, चौकड़ी गुणाकार नी रीत, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आदेश नी रीत, सब्सिट्यूट मेथड। यहाँ पे तीन मेथड मैंने, लोपनी रीत, चौकड़ी गुणाकार नी रीत और आदेश नी रीत। और ये कौन सी रीत है, आलेख की रीत। आलेख की रीत एक अलग रीत है जो स्टैंडर्ड 9 में हम सीख चुके हैं। बेसिक की रीत में तीन रीत है, लोपनी रीत, चौकड़ी गुणाकार नी रीत और आदेश नी रीत। हम स्टार्ट करेंगे आज से, पहली रीत स्टार्ट करेंगे लोपनी रीत। पहली रीत हम स्टार्ट करेंगे, इसका नाम क्या है, लोपनी रीत। लोप की रीत हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर मेन चार स्टेप है, और चार स्टेप आपको अगर समझ में आ गए तो आपको लोप की रीत आसानी से समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। अब हम देखते हैं लोप की रीत के स्टेप्स।
लॉप की रीत का पहला स्टेप्स क्या है, एक्स अने वाई वाला पदों डाबी बाजू लावा अने अचल पद ने जमणी बाजू लई जवा। इसका मतलब एक्स और वाई वाले पद है वो बराबर की इस तरफ जो बाजू है वो डाबी होती है, बराबर की इस तरफ क्या होती है जमणी बाजू। जो हमारा जमणा हाथ होगा वो जमणी बाजू, जो हमारा डाबा हाथ होगा वो डाबी बाजू। तो बराबर की इस तरफ क्या होगा जमणी बाजू, बराबर की इस तरफ क्या होगा डाबी बाजू। अब यहाँ पे हमारा x और y वाले पद, जिसके पास x और y लगेला है, जैसे 3x ये x वाला पद हुआ, ये 3y ये y वाला पद हुआ, ये 4y ये y वाला पद हुआ। पर लेकिन अचल किसको बोलेंगे, जो सिंगल संख्या हुई जैसे 7, 6 जिसके साथ x और y नहीं होगा उसको बोलेंगे हम अचल पद। तो अचल पद को हमेशा हमारे कहाँ पे ले जाने का जमणी बाजू। अब हम डाबी बाजू से जमणी बाजू कोई संख्या को ले जाए प्लस होगा तो माइनस करेंगे, माइनस होता तो हम क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पे हमारा एक समीकरण दिया है 2x + 7y = 8। तो रूल क्या बोलता है कि x और y वाले पद कहाँ पे होने चाहिए डाबी बाजू, तो ये पूरी बराबर की इस तरफ क्या है डाबी बाजू है, तो ये डाबी बाजू तरफ ही है और ये क्या है जमणी बाजू, अचल का है जमणी बाजू। तो उसमें कोई भी चेंज करेंगे नहीं, ये हमारा आंसर यही नहीं यही रहेगा 2x + 7y = 8, इसमें हमारे को कोई चेंज करने की जरूर नहीं है। पर लेकिन हम समझते हैं एग्जाम्पल नंबर टू में 2x = 7y + 8 गया है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये डाबी बाजू x तो राइट प्लेस पे है लेकिन प्रॉब्लम किसकी है y की, और 8 भी कौन सी बाजू जमणी बाजू, और 8 अचल है, अचल जमणी बाजू होना चाहिए, x और y वाले कहाँ पे पद होने चाहिए डाबी बाजू इस तरफ होने चाहिए। पर लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे 7y इस गलत जगह पे है, तो 2x तो वहीं रहेगा, 7y प्लस में बराबर की उस तरफ जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में, बराबर क्या हो जाएगा 8। ये हमारा हुआ राइट समीकरण। अब ऐसा ही हम तीसरा समझते हैं, तीसरे में क्या 2x + 8 = 7y। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अचर है वो डाबी बाजू है और जो 7y है वो कहाँ पे है जमणी बाजू। और रूल क्या है कि x और y वाले पद कहाँ पे होना चाहिए डाबी बाजू और अचर कहाँ होना चाहिए जमणी बाजू। तो हम 7y को यहाँ पे ले लेंगे और 8 को वहाँ पे ले लेंगे, तो 2x + 2x 7y प्लस में बराबर की इस तरफ जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, ये बराबर का बराबर 8 प्लस में बराबर की उस तरफ जाएगा तो किसमें होगा माइनस में। तो देख सकते हो कि x और y वाले पद कौन सी बाजू हो गया डाबी बाजू और अचर कौन सी बाजू हो गया जमणी बाजू। तो हमारे कुछ भी करके x और y वाले पद को डाबी बाजू लाना ही पड़ेगा और y और अचर को जमणी बाजू। अब यहाँ देख सकते हैं कि पूरा पद डाबी बाजू है, x तो उसकी जगह पे ही, y भी उसकी जगह पे, पर गलत जगह पे कौन है 8 है जो अचर है, अचर कहाँ पे होना चाहिए जमणी तरफ होना चाहिए। 2x का 2x 7y का 7y 8 प्लस में बराबर की उस तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस में। अब जीरो के साथ तुम सर्वाला करोगे बाद बाकी आंसर तो जो 8 है माइनस 8 वही रहेगा। तो मेक श्योर हमारा स्टेप नंबर 1 आना चाहिए बनाते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या है x और y वाले पद कहाँ पे होना चाहिए डाबी बाजू और अचर कहाँ पे होना चाहिए जमणी बाजू। स्टेप नंबर 1 होगा, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर 2। अब लॉप की रीत का स्टेप नंबर 2 देखते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या है x अथवा y वाला पद ने सरखो करूँ। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करा था, x और y वाले पद को डाबी बाजू लाए, अचर को जमणी बाजू लाए। पर लेकिन स्टेप नंबर 2 में क्या करने का है, x अथवा y वाला पद ने सरखो करो। अब हम यहाँ पे कहाँ तो x वाला पद सरखा करेंगे कहाँ तो y वाला, तो हम पहले x वाला ही सरखा करेंगे। यहाँ पे हमारा 2x दिया, यहाँ पे हमारा 5x दिया है, तो हमारे सरखा करना है, यहाँ पे भी सरखा हो जाना चाहिए और यहाँ पे भी सरखा, दोनों सरखे पद करने हैं। तो हम क्या करेंगे सिंपल, ये जो 5 है उसका गुणाकार यहाँ पे करेंगे, जो 2 है उसका गुणाकार यहाँ पे करेंगे। तो सिंपल क्या होगा, समीकरण नंबर 1 ने 5 वडे और समीकरण नंबर 2 ने 2 वडे गुणता। समीकरण नंबर 1 ने 5 वडे, समीकरण नंबर 2 ने 2 वडे गुणता। सिंपल करने का, इस समीकरण नंबर 1 को 5 दे देने का, समीकरण नंबर 2 को 2 दे देने का। जो सहगुणक दिया हो उसका सहगुणक यहाँ पे आ जाएगा, उसका सहगुणक यहाँ पे आ जाएगा। अब गुणाकार कैसे करेंगे, 5 × 2 = 10x, 5 × 3 = 15y, और 5 × 8 = 40। अब इसी तरह नीचे वाले का गुणाकार, 2 × 5 = 10x, 2 × 6 = 14y और 2 × 3 = 6। आप देख सकते हो दोनों सरखे हो गए, ये भी 10x हो गया, ये भी 10x हो गया। हम y को भी सरखा कर सकते, कहाँ तो हम x को सरखा करेंगे कहाँ तो हम y को अगर सरखा करना है हमारे, तो इसका गुणाकार हम 7 से करेंगे, इसका गुणाकार 3 से करेंगे, तो हमारा y सरखा मिलेगा। इसी तरह हम एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं। यहाँ पे दिया 3x + 5y = 7, x + 3y = 6। स्टेप नंबर 1 तो हमारे को समझो कंप्लीट है ये। अब यहाँ पे x के आगे कोई संख्या नहीं तो 1 समझेंगे हम, यहाँ पे भी x को सरखा करते हैं, तो इसका गुणाकार हम किससे करेंगे 1 से करेंगे और इसका गुणाकार हम किससे करेंगे 3 से करेंगे। तो सिंपल क्या होगा, समीकरण नंबर 1 ने 1 वडे
અને બે ને ત્રણ વડે ગુણતા તો એકા ગુણાકાર તીનથી તો વહી આંસર આગા ત્રણ એકુ ત્રણ પાંચ એકુ પાંચ ઓ સાત એકુ સાત ઈસી તરહ ત્રણ એકુ ત્રણ ત્રણ તરી નવ વાય ઓ ત્રણ છંગ અઢાર તો આપ દેખ સકતે હો યહાં પે ભી સરખે હો ગયે એક્સ વાલે પદ કાં તો હમ એક્સ વાલે પદ સરખે કરેંગે કાં તો હમ વાય વાલે પદ ઇસી તરહ હમ તીસરા દેખતે ये समीकरण नंबर एक दे दिया है, समीकरण नंबर दो दे दिया। अब यहाँ पे भी हम एक्स को सरखा करते हैं, ये पाँच है, ये क्या है दो है। अगर आप वाई को सरखा करना चाहते हो तो वाई को भी सरखा कर सकते हो। अगर वाई को चलो हम सरखा करना चाहते हैं तो वाई में यहाँ पे तीन है और यहाँ पे वाई में क्या है चार है, तो इसका गुणाकार हम किससे करेंगे चार से गुणाकार करेंगे, इसका गुणाकार हम किससे करेंगे तीन से करेंगे। तो हम समीकरण नंबर एक ने चार वड़े, समीकरण नंबर बे ने त्रण वड़े गुणता। अब चार से करेंगे चार पंचा वीस एक्स, चार तरी चार पंचा वीस एक्स और चार तरी बारह वाई और चार का गुणाकार बारह से करेंगे, बारह चौक क्या होगा अड़तालीस, त्रण दू छ एक्स, त्रण चौक बारह वाई और त्रण छंग अठार। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वाई वाई कैसे हो गए सरखे हो गए, कहाँ तो तुम वाई को सरखा करो कहाँ तो एक्स को सरखा करो। अब ये तुमने उसका गुणाकार पहला समीकरण का गुणाकार दूसरे के कोएफिशिएंट से और दूसरे के समीकरण का गुणाकार पहले के कोएफिशिएंट से कर दिया, पहले के सहगुणक से। अब ये सम नंबर चार में देखते हैं, सम नंबर चार में अब तो आप एक्स को सरखा करना चाहते हो तो यहाँ पे इसका गुणाकार किससे करोगे दो से, इसका गुणाकार किससे करोगे चार से, ये भी राइट है। पर लेकिन आपको डायरेक्ट अगर घड़ी आते हैं ये चार है ये दो है, अगर चार दो को चार के घड़ी में आता है तो सिर्फ मैं डायरेक्ट दो का गुणाकार दो से करूँगा तो चार हो जाएगा, मेरे सरखा करना है तो मेरे पहले समीकरण में कुछ भी नहीं करूंगा, ये दो है ये दो का गुणाकार कौन सी संख्या से करूंगा तो चार आएगा, तो दो से करूंगा तो चार आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा समीकरण नंबर बे ने बे वड़े गुणता, एक को गुणाकार करने की जरूर नहीं है क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी चार है, तो पहला जैसा था वैसा। अब तो बे दू चार एक्स, बे सित्ता चौदह वाई और बे इट्ठा सोलह, डायरेक्ट सरखा हो गया। अगर आप ऐसे करो इसका गुणाकार दो से उसका गुणाकार चार वो भी राइट है, और ये डायरेक्ट करना चाहो तो ये भी राइट है। अब लॉप की रीत का स्टेप नंबर तीन समझते हैं, लॉपना नियम नो उपयोग करो, लॉपना नियम को नियम नो उपयोग करो जो हम चैप्टर नंबर दो बहुपदी में भी सीख चुके हैं। अब लॉप का नियम क्या होता है कि ये हमारू दो समीकरण मिल गए स्टेप नंबर दो के हिसाब से, दोनों में एक्स एक्स कैसे मिले सरखे मिले, अब पद मिलकर तो हमारे दूसरा जो समीकरण होता है उसकी निशानी हमारे बदलनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं लॉप का नियम। जैसे तीन, तीन के आगे कुछ भी निशानी नहीं है तो तीन क्या होगा प्लस, प्लस है तो हम क्या करेंगे माइनस, ये दो के आगे निशानी प्लस है तो हम क्या करेंगे माइनस, आठ के आगे कोई भी निशानी तो प्लस समझेंगे, प्लस है तो हम क्या करेंगे माइनस, प्लस होगा तो माइनस करेंगे, माइनस होगा तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, जिसको बोलते हैं लॉप। अब ये तीन प्लस में तीन माइनस में कैंसल हो गया, ये चार प्लस में है, चार की निशानी प्लस है, y की नवी निशानी क्या माइनस है, चार प्लस में और दो वाई माइनस में दोनों की निशानी अगर अलग अलग होती है तो हम करेंगे बाद बाकी, चार में से दो जाएगा कितना बचेगा दो बचेगा, अब बड़ा कौन है प्लस, तो आंसर भी किसमें आएगा प्लस में। इसी तरह छह की निशानी प्लस में आठ की माइनस में दोनों की निशानी अलग अलग है तो हम क्या करेंगे बाद बाकी, छह में से आठ जाएगा कितना बचेगा दो बचेगा, पर दो में से बड़ा कौन है आठ बड़ा, आठ की निशानी नवी निशानी क्या माइनस, तो ये किसमें रखेंगे माइनस में, किसमें रखेंगे माइनस में। अब ये दो किस में गुणाकार में बराबर की उस तरफ जाएगा तो क्या आएगा भागाकार में, दो गुणाकार में बराबर की उस तरफ जाएगा तो क्या होगा भागाकार में, तो हमारे ऐसे किसका आंसर मिल जाएगा वाई का आंसर मिल जाएगा, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं लॉप। इसी तरह हम सम नंबर दो देखते हैं, यहाँ पे सम नंबर दो में भी क्या है स्टेप नंबर दो के हिसाब से एक्स वाई एक्स वाले पद कैसे है सरखे है, तो हमारा नियम क्या है जो दूसरा वाला जो पद है उसकी निशानी सिर्फ बदलने की, ये प्लस है तो हम माइनस करेंगे, ये प्लस है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, और ये प्लस है तो हम क्या करेंगे माइनस, सिंपल रूल है प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल, चौदह चौदह कैंसिल, पाँच प्लस में सात माइनस में दोनों की निशानी अलग तो हम क्या करेंगे बाद बाकी करेंगे, सात में से पाँच जाएगा कितना बचेगा दो बचेगा, बड़ा क्या है सात, सात की निशानी क्या नई निशानी देखने की माइनस, ये निशानी नहीं देख नहीं देखने की माइनस में, छः और आठ, छः की निशानी प्लस में आठ की निशानी माइनस में, छः में से आठ जाएंगे कितने बचेंगे दो बचेंगे, बड़ा आठ है तो आंसर किसमें आएगा माइनस में, सेम दो माइनस दो गुणाकार में, ये दोनों के बीच में कुछ भी संबंध ना हो गुणाकार उस तरफ जाएगा तो क्या होगा भागाकार, तो इसी तरह हमारा आंसर मिल जाएगा वाई का। पाँच एक्स माइनस तीन वाई बराबर सात, पाँच एक्स प्लस आठ वाई बराबर ग्यारह,
स्टेप नंबर 3 लॉब का नियम का हम इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे दूसरा समीकरण की निशानी बदल देंगे, सेकंड वाले समीकरण की निशानी बदलेंगे। 5 प्लस में तो क्या करेंगे माइनस, 8 प्लस में तो क्या करेंगे हम माइनस, और 11 प्लस में तो हम क्या करेंगे माइनस। ये 5 प्लस माइनस कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे माइनस 3 है और ये भी माइनस है, दोनों की निशानी सरखी है तो हम क्या करेंगे सरवाड़ा। ये 8 की नवी निशानी माइनस हो गई तो दोनों की निशानी सरखी तो हम सरवाड़ा करेंगे। सरखी निशानी मतलब क्या करेंगे सरवाड़ा, अलग अलग निशानी होती है हम क्या करेंगे बाद बाकी। 8 ने 3 कितने हो गए 11 वाई, बड़ा कौन है 8, 8 की निशानी माइनस, तो आंसर किसमें आएगा माइनस में, बराबर का बराबर। 7 भी प्लस, 7 प्लस में 11 किसमें है माइनस में। 7 और 11 की निशानी कैसी है अलग अलग, अलग अलग हम क्या करेंगे बाद बाकी। तो 11 में 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 अब 11 बड़ा है तो 11 की निशानी माइनस, तो इसका भी आंसर किसमें आएगा माइनस में। 11 माइनस 11 है, माइनस 11 गुणा करें बराबर की उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा भागाकार में, तो हमें ऐसे y का आंसर मिल जाएगा। इसी तरह ये देखिए 4x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 4y बराबर माइनस 7। तो यहाँ पे सेकंड समीकरण की निशानी हमारे बदल देगी, 4 प्लस में तो माइनस में, ये माइनस में तो प्लस में, और ये माइनस में तो प्लस में, ये सेम कट हो गया। ये माइनस 3 है और ये प्लस 4y है कि 4 की नवी निशानी प्लस है, दोनों की निशानी अलग है हम करेंगे बाद बाकी। 4 में 3 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, बड़ा प्लस है तो आंसर किसमें आएगा प्लस, आगे प्लस लिखने की जरूर नहीं है। 8 प्लस में और 7 के 7 भी किसमें प्लस में, सरखी निशानी तो हम क्या करेंगे सरवाड़ा। 8 और 7, 8 और 7 कितना होगा 15, तो हमारा वाई का आंसर कितना मिल जाएगा हमें 15 मिल जाएगा। अब ये वाला समीकरण सोल्व करते हैं। अब ये सेकंड समीकरण को फोकस करने का, 7 प्लस में तो माइनस में, 5 प्लस में तो माइनस में, 8 प्लस में तो माइनस में। स्टेप नंबर 2 क्या है, x और y को सरखा करना है। यहाँ पे y को सरखा किया हुआ है, बाकी सब समय किसको सरखा किया था x को सरखा किया था। ये भी समय ऐसे ही करेंगे, ये 2 प्लस में 7 माइनस में, 2 प्लस में 7 माइनस में, दोनों की निशानी अलग अलग हम क्या करेंगे बात बाकी। 7 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 5, 7 की निशानी माइनस है बड़े की निशानी, तो आंसर किसमें आएगा माइनस में। ये 5y प्लस में प्लस माइनस क्या होगा कैंसल, बराबर का बराबर। 7 प्लस में 8 किस में है माइनस में, 7 और 8 की निशानी कैसी है, 7 की प्लस में 8 की माइनस में, निशानी अलग अलग हम क्या करेंगे बाद बाकी। 7 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, पर माइनस 1 क्योंकि 8 बड़ा है इसलिए। अब माइनस 5 गुणाकर में उस तरफ जाएगा तो भागाकर में, तो ऐसे में x का आंसर मिल जाएगा। अब लास्ट देखते हैं हम सेकंड समीकरण में, ये प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में, सेम 11x कैंसल। ये 12 माइनस में, 7 भी माइनस में, निशानी सरखी तो हम क्या करेंगे सरवाड़ा। 12 और 7 कितने हो जाएंगे 19, y बड़ा कौन है माइनस, आंसर किसमें आएगा माइनस में। अब ये 8 प्लस में और 13 किसमें माइनस में, तो 8 13 में 8 जाएंगे तो बचेंगे 5 बचेंगे, बड़ा कौन है 13 माइनस में, तो आंसर किसमें आएगा माइनस में। अब माइनस 19 गुणाकर में उस तरफ क्या हो जाएगा भागाकर में, तो ऐसे हम स्टेप नंबर 3 कर सकते हैं। मैं स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 की तुम प्रैक्टिस के लिए सम भेजूंगा। स्टेप नंबर 4 आप समझते हैं लॉब की रीत का। स्टेप नंबर 3 में जो एक्स के वाई की किंमत मिली है तेने समीकरण नंबर 1 अथवा 2 में मूकी एक्स के वाई की किंमत मेळवी। स्टेप नंबर 3 में हमने देखा था हमारू वाई की या एक्स की छेले एक्स और वाई का जवाब मिलता था। अब जो भी हमारा जवाब मिलता है वो हमको दो समीकरण हमको दिए होंगे, कोई भी एक में रख देंगे तो हमारा क्या मिलेगा। अगर हमारा x की वैल्यू तीन समीकरण नंबर स्टेप नंबर 3 में मिली तो स्टेप नंबर 4 में हमारा क्या मिलेगा y मिलेगा। अगर स्टेप नंबर 3 में हमारा y का जवाब मिला है तो स्टेप नंबर 4 में हमारा x का जवाब मिलेगा। सपोज स्टेप नंबर 3 में हमारा y बराबर कितना मिल गया 5 मिल गया, तब कोई भी एक समीकरण नंबर 1 हमारे पास है उसकी y की कीमत हम किस में रख देंगे, y की कीमत हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो सिंपल y के बराबर 5 रख देने के हमारे, ये तो मैंने समीकरण एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसा समीकरण 2 दिए होंगे हम कोई भी एक में रख सकते हैं। तो सपोज ये 5 का 5 x का x 3 का 3 y की जगह पे हम क्या रखेंगे 5 रख देंगे, 5 तरी 15, 10 का 10 15 प्लस में उस तरफ क्या हो जाएगा माइनस में, 10 में 15 जाएंगे कितने बचेंगे माइनस 5, दोनों ही निशानी अलग है तो बात बाकी करेंगे बड़ा कौन है माइनस, आंतर किसमें आएगा माइनस में। ये 5 गुणाकर में सामे आ तो भागाकर में, तो 5 5 एकू 5 तो हमारा आंसर क्या आएगा माइनस 1, तो हमारा यहाँ पे क्या मिल गया x मिल गया। सेम दूसरा करेंगे,
अब हमारे यहाँ पे y की कीमत कितनी मिल गई स्टेप नंबर तीन में, माइनस दो। अभी हमारा समीकरण दिया हुआ है, समीकरण दो दिए होंगे, मैंने समझाने के एक ही लिया है, तो हम यही समीकरण में एक y की कीमत रख देंगे। तो y बराबर माइनस बे मुक्ता, तो तीन एक्स का तीन एक्स, तीन का तीन, y कितना है माइनस दो है, और नौ का नौ, तीन दो छः, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे अचल को हटाएंगे पहले, अचल माइनस छः है, बराबर की उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो नौ उन्हें छः कितने हो गए पंद्रह, तीन गुणाकार में, बराबर की उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा भागाकार में, तो तीन बंचा पंद्रह, तो ऐसे हमारो वैल्यू किसकी मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज हमारे स्टेप नंबर तीन में y की कीमत माइनस सात मिल गया, अब हमारे x की कीमत ढूंढनी है, तो हम कोई भी समीकरण हमारे पास दो है तो हम कोई एक समीकरण में कीमत रख देंगे। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने एक ही समीकरण यहाँ पे लिखा है, तो हम डायरेक्ट इसमें रख देते हैं, y बराबर माइनस सात मुक्ता, तो चार एक्स, चार का चार, x का x, दो का दो, y की जगह पे क्या लिखूंगा मैं माइनस सात बराबर दस का दस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा गुणागर में प्लस होता है, बेसिता चौदह। अब सबसे पहले मेरे x ढूंढना है, तो अचल पद यहाँ पे 14 है, 14 को मेरा हटाना पड़ेगा, 14 प्लस में है उस तरफ क्या होगा माइनस में। अब दोनों की निशानी अलग अलग है तो बात बाकी करूँगा, 10 में 14 जाएगा कितना बचेगा माइनस चार बचेगा, बड़ा माइनस में इसलिए, और चार गुणाकार में उस तरफ होगा तो क्या होगा भागाकार में, चार चार क्या हो गया कट, तो मेरा आंसर क्या आएगा माइनस वन आएगा, क्या आएगा माइनस वन। सेम इसी तरह अगर हमारे को x का जो आप स्टेप नंबर तीन में मिल गया, अब y का ढूंढने का हो सकता है, तो x बराबर त्रण मुक्ता, तो तीन का तीन, x की जगह पे क्या रखूंगा मैं तीन मिल गया मेरे को, दो का दो, y तो मेरे ढूंढने का माइनस आठ का आठ, त्रण तरी नौ, दो y का दो y, बराबर का बराबर माइनस आठ का आठ, अचल पद नौ है, नौ प्लस में उस तरफ जा, उस तरफ क्या हो जाएगा बराबर की उस तरफ माइनस में हो जाएगा, तो 9 और 8 कितना हो मेरा आंसर माइनस 17 बड़ा माइनस में, इसलिए आंसर किसमें आएगा माइनस में, दो गुणाकार में उस तरफ क्या हो जाएगा भागाकार में, तो मेरा आंसर क्या आएगा माइनस 70 भागिया